वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो अभी तक हमने देखा है कि केशव और श्यामा जो है वो दोनों ने माँ की आंख चुरा कर वो दरवाजा खोलकर बाहर आए हैं और उन्होंने अंडों की पूरी हिफाजत की है, यानी कि जो जो लगता है उनको सब वहाँ पे रख दिया है। और ऐसे करते वक्त केशव जो है उसने अंडों को छुआ है और उसके छूने की वजह से चिड़िया और चिड़ा जो थे वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ गए हैं और श्यामा जो है वो अंडे देखने की जिद कर रही है। आगे का देखिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे इसलिए उसकी आंखों में आंसू आए, उसको भी अंडों को देखने की जिज्ञासा थी, बहुत ज्यादा कौतूहल था उसे भी, तो उसकी आंखों में इस वजह से आंसू आए और उसने केशव को धमकाया कि मैं माँ से तेरी शिकायत कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो केशव ने उसे कहा कि अगर तूने अम्मा जी से कहा तो तुझे बहुत मारूंगा, तुझे अभी बता रहा हूँ मैं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया अंडे, इसलिए मैं तेरा नाम माँ से कहूंगी। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते? तो केशव ने कहा, अगर तू ऊपर चढ़ते वक्त गिरेगी तो तेरा सर फूट जाता, नीचे गिरकर तुझे चोट लगती थी, चार सर न होना यानी कि जख्मी होना। तो केशव ने श्यामा से इसे कहा। श्यामा कहती है, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। तो श्यामा ने कहा, हाँ हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं माँ से कह देती हूँ तेरा नाम। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, और इतने में कोठरी का यानी कि कोठरी यानी रूम का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखें चुराते हुए, यानी कि जब छाव में से हम बाहर आते हैं धूप में सनलाइट में आते हैं तो हमारे आंखों को तकलीफ होती है, इसलिए हम आंखों के ऊपर हाथ रखकर या आंखें छोटी करकर देखते हैं, वैसे ही माँ ने उनको देखा। तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? और माँ पूछने लगी, उनको प्रश्न पूछने लगी कि तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना दोपहर के समय बाहर न निकलना, दोपहर यानी कि आफ्टरनून, जिस टाइम पे ज्यादा धूप होती है, सनलाइट ज्यादा होता है, तुम दोनों बाहर निकलना, ऐसे मैंने बोला था ना, फिर तुम दोनों कब आए, किसने किवाड़ खोला? ऐसे माँ ने पूछा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। जो डोर था, किवाड़ यानी कि डोर या दरवाजा, जिसे दरवाजा भी कहा जाता है, तो डोर केशव ने खोला था, फिर भी श्यामा ने केशव का नाम माँ से नहीं बोला। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, तो उसे डर लगा कि अगर मैं माँ से बोलूंगी तो माँ भैया को मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, तो केशव बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि कहीं श्यामा उसका नाम माँ से ना कहे। अंडे न दिखाए थे इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था और उसने वैसे भी अंडे भी श्यामा को नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको श्यामा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? तो श्यामा को भैया के ऊपर प्यार था इस वजह से चुप थी क्या? वो भी इस ये जो दोनों ने काम किया था उसमें वो भी कसूरवार थी इसलिए चुप थी? इसका फैसला नहीं किया जा सकता, मतलब इसे समझा नहीं जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, शायद दोनों ही बातों की वजह से श्यामा चुप थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। तो माँ ने दोनों को डांट टपट कर यानी कि दोनों को बहुत ज्यादा डांट कर कमरे में फिर से बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलाने लगी और धूप की वजह से माँ उन्हें पंखा चलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अभी दोपहर के 2 बजे थे यानी कि 2 o'clock हुआ था। बाहर तेज लू यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, तो इस वजह से गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा नींद आती है, तो दोनों बच्चों को नींद आ गई थी और वो सो गए थे। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि केशव और श्यामा जो है वो दोनों ने किस तरह माँ की बातों से वो चुप गए और उन्होंने क्या क्या किया। धन्यवाद।